रमकंडा से कसमार होते हुए उदयपुर जाने वाली सड़क में पड़ने वाली बघमरिया नाला पर बनी हुई छोटी पुलिया अति जर्जर हो चुकी है, जिसे घटना का अंदेशा बना हुआ है। इस तरह जर्जर अवस्था में हो चुकी पुलिया किसी बड़े खतरे को कर रही है आमंत्रित। ग्रामीणों ने इसे जल्द से जल्द प्रशासन से मरम्मत कराने की है मांग। रंका प्रखंड के 30 एकल विद्यालयों के 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण में सभी कोविड-19 के नियमों को पालन करते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में राजेश कुमार चौधरी उपस्थित होकर शिक्षकों से शिक्षा के विषय में फोकस करते हुए वार्तालाप कर रहे थे। रंका मुखिया अपने खर्च से रोड पर बह रहे गंदे नाली साफ कराया। इस कार्य के लिए इस रोड पर चलने वाले अनेक राहगीरों में अशोक चौरसिया, शशि तिवारी, अनिल चौरसिया, विनोद चौधरी आदि सैकड़ों लोग मुखिया के प्रति आभार व्यक्त किए हैं। मझियाव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाया रहने पर उपभोक्ताओं की काटी जा रही है बिजली कनेक्शन। इधर नगर पंचायत क्षेत्र थाना के बगल में नवनिर्मित सब स्टेशन में आज बिजली भुगतान शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें बिजली उपभोक्ता अपना अपना बकाया DS1 तथा DS2 का बिजली बिल भुगतान कर रहे हैं। उटारी रोड प्रखंड अंतर्गत मुरमा खुर्द पंचायत अंतर्गत मलवरिया गांव के समाज सेवी सुशील कुमार सिंह ने दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नाट्य कलाकार, युवाओं एवं गांव के वैसे लोग जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, उन सभी को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता रामचंद्र केशरी की पत्नी पार्वती देवी का निधन बुधवार की सुबह इलाज के दौरान रांची में हो गया। वे 73 वर्ष की थी। निधन होने की खबर मिलने पर वंशीधर नगर में शोक की लहर दौड़ गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के वरिष्ठ नेता अयूब खान ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार के किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर झारखंड विधानसभा से भी बिल पारित कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार से की है। कितार प्रखंड के ग्राम बेलाबार में समूह की महिला जुम्मा बीबी व अस्मिना बीबी के खेत में JSLPS दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ FTC चेतन सिंह ने किया। पोषण वाटिका के लग जाने से समूह की महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर। कितार प्रखंड में NLM ने कितार प्रखंड के परसोडी व मुकुंदपुर पंचायत का किया निरीक्षण। विदित हो कि NLM श्री चौहान के द्वारा पहली पाली में कितार प्रखंड के परसोडी पंचायत एवं दूसरी पाली में मुकुंदपुर पंचायत में संचालित उपरोक्त सभी योजनाओं के प्रगति व उनमें आने वाले समस्याओं की समीक्षा की तथा निश्चित समयावधि के भीतर योजनाओं को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बिहार राज्य में बुधवार को हो रहे विधानसभा चुनाव कार्य को लेकर झारखंड के गढ़वा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, जिले के पुलिस कप्तान श्रीकांत सुरेश राव, प्रखंड विकास पदाधिकारी कांडी जोहन टूडू, उपी प्रभारी हरिहरपुर शौकत खान के द्वारा संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाकर सीमावर्ती क्षेत्र का गहनता से निरीक्षण किया गया। इस संदर्भ में सोन नदी के नाव घाट श्रीनगर में पहुंचकर मुआयना किया। कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पशु चारा में हुए मारपीट में 60 वर्षीय व्यक्ति हुआ घायल। प्राप्त जानकारी के अनुसार झगड़ा पशु चारा को लेकर हुई थी। घायल का सिर फट गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु गढ़वा सदर अस्पताल के लिए भेजा गया, पर वहां भी सही हालत नहीं होने पर गढ़वा से चिकित्सकों द्वारा रांची अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित व्यक्ति के पुत्र ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उचित जांच करके गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कांडी प्रखंड अंतर्गत 10 वर्षीय पुत्र ने दिया मुखाग्नि, सबकी आंखें हुई नम। सूत्रों के मुताबिक हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के मचगावा गांव में सोमवार को मूर्ति विसर्जन करने के दौरान 38 वर्षीय विकास चौबे उर्फ मुन्ना की मौत तालाब में डूबने से हुई थी। शव यात्रा में गांव के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के मझिगावा के बस्ती निवासी प्रसाद रजवार उम्र 65 वर्ष की मृत्यु मंगलवार की रात्रि में हो गई। परिवार वालों के अनुसार प्रसाद रजवार पिछले 4 महीनों से बीमार चल रहे थे। प्रसाद रजवार की आर्थिक स्थिति यदि ठीक होती तो शायद उचित इलाज से बच सकते थे। मृतक का अंतिम संस्कार सोन नदी के श्रीनगर घाट पर किया गया। कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार की
78 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बुधवार को उक्त भूमि का मापी कर सीमांकन का कार्य किया गया। कार्य पूरा होते ही सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर डीसी व एसपी ने खरौंधी प्रखंड के दौरा किया। जानकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा का प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर वरीय अधिकारी सोन तटीय इलाकों का निरीक्षण कर जायजा लिया। बंशीधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर महदेहिया गांव के समीप मां नागिना शाही कॉलेज के निकट हुए सड़क दुर्घटना में गढ़वा थाना के कुशमाहा गांव निवासी नंदेश उराव 21 वर्ष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। वहीं थाना ने ट्रक को जब्त कर थाने में ले आए।